नमस्कार दोस्तों, साल 2023 में 29 सितंबर से पितृ पक्ष की शुरुआत हो रही है जो 14 सितंबर को समाप्त होंगी। कहते हैं कि जिनके पूर्वज नाराज होते हैं उनका जीवन में कभी भी कोई कार्य सफल नहीं होता। यही वजह है कि हिंदू धर्म में पितृ पक्ष को काफी अहम माना गया है। मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान पूर्वज किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि शास्त्रों में पितृपक्ष के 15 दिनों में कुछ ऐसी चीजों का सेवन करना वर्जित माना गया है जिनका अगर कोई भूलवश सेवन कर लेता है तो उसका जीवन तमाम कष्ट और दुख दर्द से भर जाता है। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष में किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली वस्तु का नाम है मसूर की दाल। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी रूप में श्राद्ध के दौरान इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप पितृपक्ष के दौरान मसूर की दाल का सेवन करते हैं तो आपको जीवन में कई आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ पितृपक्ष में श्राद्ध के दौरान कच्चे अनाज यानी कि दाल चावल गेहूं का सेवन करना वर्जित माना गया है। आप अनाज को पकाकर खा सकते हैं। दूसरी जो वस्तु है उसका नाम है लहसुन और प्याज। सनातन धर्म में लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना गया है। तो ऐसे में धर्मशास्त्र में कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी इन चीजों का सेवन किसी को नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दौरान अंडा मांस शराब जैसी वस्तुओं से भी दूरी बना लेनी चाहिए। कहते हैं कि पितृपक्ष में इन चीजों का सेवन करने से कुंडली में पितृदोष लगा रहता है। अगली चीज के बारे में बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष के दौरान आलू मूली अरबी और गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। जी हाँ, श्राद्ध के दिनों में जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियों का सेवन करना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि इन सब्जियों को पितृपक्ष के दौरान न तो स्वयं खाना चाहिए और न ही ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। साथ ही साथ इन सब्जियों का भोग पितरों को भूलवश भी नहीं लगाना चाहिए। इससे पितर नाराज हो जाते हैं और फिर बिना भोग लगाए ही वहां से चले जाते हैं। इसके अलावा ज्योतिषी शास्त्र में पितृपक्ष के दौरान चना या चने से बना कोई भी पदार्थ यानी कि चने की दाल और चने के बना सत्तू का सेवन करना वर्जित माना गया है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि इन चीजों को पितरों को श्राद्ध में अर्पण करना भी अशुभ माना गया है। इसलिए जब तक श्राद्ध चले तब तक चने का सेवन भूल कर भी ना करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी के अनुसार आप भूल कर भी पितृपक्ष में इन चीजों का सेवन ना करें। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।